हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। मैं हूँ प्रभाष मिश्रा और आज आ गया हूँ मैं एक फिर से नया वीडियो लेके। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस समय मार्केट के हाल जो हैं बहुत ही खस्ता हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए अमृत सिद्ध होगा, यानी कि जितने भी लॉसेस हैं आपके वो कवर कर देगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात अच्छी ना लगे या फिर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो अगेन एंड अगेन मिलते रहे। वीडियो के अंत में मैं एक स्टॉक टिप या फिर एक लाइव टिप देता हूं इस शेयर मार्केट की, जो बिगिनर्स और जो भी जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत काम आती है। तो उस बातों को याद रखेंगे तो आपके स्टॉक मार्केट में कम से कम लॉस होंगे और मुनाफे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं उस टिप को भी देखिएगा और इस स्टॉक को भी देखिएगा। तो चलिए आज करते हैं बाजार की बातें। तो आज जिस स्टॉक की बात मैं करने जा रहा हूं वो स्टॉक थोड़ा सा बहुत ही बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है और बैंकिंग सेक्टर का ये एक तरीके से समझिए सस्ते दामों में मिल रहा बैंक है। मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं सस्ते दामों में मिल रहा है बैंक है और इस बैंक को अगर आपने उठा लिया तो आप माला माल होने ही वाले हैं। तो यानी कि बैंक बहुत ही सस्ता हो गया है और इस समय सस्ते दामों पर मिल रहा है तो इस बैंक का स्टॉक तो उठाते बनता ही है। तो मैं इस बैंक का नाम डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, स्टॉक का नाम डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। मैं जिस बैंक की बात कर रहा हूं वो है IDFC फर्स्ट बैंक, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक। आप लोग सब लोग मार्केट में अवेयर होंगे और ये पता होगा आपको कि मार्केट में इस स्टॉक को लेकर बहुत ही ज्यादा हलचल है। तो हलचल इसलिए भी है क्योंकि पता है कि ये बहुत ही सस्ता है तो लोग डर भी रहे हैं कि इसको लिया जाए कि ना लिया जाए। और जो लोग उठा चुके हैं बहुत ऊंचे दामों पर तो वो सोचते हैं कि होल्ड किया जाए कि ना किया जाए। तो मैं दोनों ही टिप्स आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या रणनीति इसमें रखनी है। सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक की बात करता हूं, ये ज्यादा कोई पुराना बैंक नहीं है, केवल 4 साल पुराना बैंक है और बैंक इतना अच्छा चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, बट ड्यू टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट यानी कि जो क्वार्टर के लास्ट रिजल्ट आए उसमें इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो ये स्टॉक सीधा 55-60 से बढ़ते बढ़ते कम होते रहते करते कम होते होते ये आ गया है 40 रुपए पे, 39 रुपए पे। और इसने अभी अपने जो लोवेस्ट 52 वीक्स के लोवेस्ट से ये 8% ऊपर है, यानी कि 52 वीक का जो लोवेस्ट है उसका 32 पॉइंट समथिंग है, उससे ये अपनी अभी 8% ऊपर है। लेकिन अपने 52 वीक के लो यानी कि बहुत ही दूर है, यानी कि 52 वीक के हाई से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अब आगे की रणनीति इस बैंक पे आपको क्या रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, जो इन इस कंपनी के यानी कि इस बैंक के जो सीईओ हैं उन्होंने काफी टाइकून यानी कि बैंक को बहुत ही अच्छे से संभाला है, बहुत ही ईमानदार आदमी है। इन्होंने किसी भी तरीके के पुराने क्वार्टर के रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं करी थी। उन्होंने कहा था ये तो हमारी ईमानदारी है कि हम आपको सारे सही नतीजे डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि मैनेजमेंट अच्छा होता है तो मैनेजमेंट अच्छा होता है तो ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है चाहे कंपनी थोड़ी सी डाउन भले हो जाए लेकिन वो आउट परफॉर्म नहीं करेगी, यानी कि आने वाले समय में ये करेक्शन दूर हो जाएगा और ये आगे अच्छा मूव करेगा। सेकंड बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका वो आपका क्या है, इसमें FIIS ने इसमें 60% के यानी कि क्या कर रहे थे स्टेक ले रखे हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में 60% का ये स्टेक ले रखा है जो कि बहुत बड़ा स्टेक है। और प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो 40% है। तो आपको ये माना जाता है कि वो स्टॉक ज्यादा अच्छे मूव करते हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो स्टॉक पे 60% FIIS है तो आपको पता होगा ये एक अच्छा सिग्नल है। आगे मैं बढ़ते हुए जो मैं लास्ट में बात बताना चाहता हूं स्टॉक से रिलेटेड वो ये बताना चाहता हूं कि इस क्वार्टर के नतीजे, यानी कि मैं सबसे बताता हूं कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं कोई भी स्टॉक बनाता हूं तो मैं बता देता हूं कि उस स्टॉक को ट्रैक करना मत भूलिएगा, उसको मेरे कहने पर या फिर किसी भी वीडियो या फिर यूट्यूबर के कहने पर मत लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक टिप्स को मैं खुद भी गलत मानता हूं। क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है कि कोई भी चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो चाहे फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपर्ट हो चाहे IM का एक्सपर्ट हो वो कभी नहीं बता सकता कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होगा। इसीलिए मैं बताता हूं जब भी मैं कोई स्टॉक बताता हूं तो मैं आपसे कहता हूं उसे 15 दिन तक ट्रैक जरूर करिए और ट्रैक के अगर मन मुताबिक आपके रिजल्ट उसे मिल रहे हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए।
तो इसलिए मैं इसका आगे का टारगेट बताना चाहता हूं कि इसके क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। जल्द ही कंपनी डिस्क्लोज करेगी कि क्वार्टर के रिजल्ट कब आ रहे हैं और क्वार्टर के नतीजे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी कि अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज फर्म्स ने एक्सपेक्टेशन करी है कि IDFC फर्स्ट बैंक के नतीजे बहुत ही अच्छे आएंगे। अगर नतीजे अच्छे रहे तो मेरा फर्स्ट टारगेट इस पे 55 रुपए पे होगा। इस समय का प्राइस, करंटली प्राइस ये 40 से 42 के बीच में लाए कर रहा है। अगर आप लोग को लगता है कि क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो विदाउट एनी डाउट इसमें इन्वेस्ट करते बनता है, क्योंकि आपको यही स्टॉक ऐसा है जो करोड़पति बना सकता है। तो मेरे कहने पे कुछ भी मत करिएगा, नतीजे आएंगे, नतीजों को देखिए। प्रॉफिट अगर आ गया तो समझ लीजिए स्टॉक का नेक्स्ट मूव आपको 55 रुपए का होगा। इस समय मार्केट की हालत बहुत ही खस्ता है, वोलेटाइल मार्केट है, तो मार्केट के फ्लक्चुएशन को देखते हुए अभी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। आज वीडियो के अंत में मैं बताना चाहता हूं, जो मैं एडवाइस देता हूं, आज मैं बताना चाहता हूं, जो मेरी एडवाइस है वो है, डोंट थिंक वाई मी, थिंक ट्राई मी। देखिएगा, बहुत से इन्वेस्टर्स, बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल्स करते रहते हैं और कहते रहते हैं, सर मैं स्टॉक मार्केट में आया, मुझे इतना लॉस हो गया, सर बताइए मैं इतने लॉस में हूं, सर मैं बताइए इतने लॉस में हूं, तो क्या करूं। स्टॉक मार्केट से बहुत से ऐसे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स, 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने में एक स्टॉक में लॉस लेके बाहर हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि क्या भगवान मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, क्या मुझे ही सारे लॉस हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी कठिनाइयां आती हैं, वो क्या होता है, वो आपको आगे के लिए मजबूत करती हैं। तो जिंदगी में अगर आपको भगवान टेस्ट कर रहा है, यानी कि अगर आपको इस मार्केट से पैसा बनाना है, तो वो आपको क्या देगा, टेस्ट करेगा। यानी कि अगर आपको बड़े रिटर्न चाहिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा आज तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब मुझे शेयर मार्केट से दूर रहना है। तो कभी भी ये ना सोचिएगा, डोंट थिंक वाई मी, थिंक ट्राई मी। भगवान से कहिए कि मुझे ट्राई करते रहो, ये मार्केट आपको ट्राई करते रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि इस शेयर मार्केट से आपको इतना रिटर्न मिलेगा जितना आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होगी। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि लाइफ है तो कठिनाइयां रहेंगी ही रहेंगी। अगर लाइफ है तो कठिनाइयां रहेंगी ही रहेंगी, और अगर कठिनाइयां दूर हो जाए तो समझ लीजिएगा लाइफ भी खत्म हो गई। तो अगर जिंदगी में आपकी कोई भी कभी कठिनाई ना हो तो आप ये जरूर सोचिएगा कि भगवान ने आप पे भरोसा करना बंद कर दिया है। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं है तो समझ लीजिएगा भगवान ने आप पे भरोसा करना बंद कर दिया है और आप पे वो उसका ट्रस्ट खत्म हो गया है। तो जिंदगी में जब कभी अभी आपके कोई भी कठिनाई ना हो तो आप कहिएगा हाथ जोड़कर भगवान से कि क्या भरोसा खत्म हो गया, और भरोसा अगर खत्म नहीं हुआ तो परेशानियां भेजो, मैं निपट लूंगा। जिस तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड आप अगर रखेंगे तो शेयर मार्केट में आपको कभी भी कोई लॉस नहीं हो सकता है, और आपके अच्छे रिटर्न्स आपके पेशेंस से ही आएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना जरूर ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं प्रभाष मिश्रा, धन्यवाद।